ब्यूटीफुल सूट सेट फ्रॉम मीशो। ईद आउटफिट्स चाहिए, आप इसे ईद पे पहनो, आप वेडिंग में पहनो, जहाँ भी आप पहनना चाहते हो वहाँ पहन सकते हो, जो भी आपके यहाँ फंक्शन हो या त्यौहार हो। तो जो भी चीज़ें मैंने मीशो से ली हैं सभी के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। मीशो की ये तीन हॉल जो आप साइड में देख रहे हो, मतलब जो थंबनेल देख रहे हो, उसके अभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप उन्हें चेकआउट करना चाहते हो। तो बात करते पहले प्रोडक्ट की। इससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं हाइट, साइज, वेस्ट, बस सब मैंने मेंशन कर दिया है ऑन स्क्रीन। और ये 10 के 10 सूट जो है ना, आप इन्हें आराम से पार्टी में पहन सकते हो। तो जो मेरा फेवरेट सूट है ना, वो ये है, पहले वाला। ये मतलब अनारकली सूट है, और वैसे तो मेरे आज सारे ही सूट मुझे काफ़ी पसंद आया जो भी मैं आपको शो कर रही हूँ, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें नीचे की बॉटम नहीं है क्योंकि अनारकली बिल्कुल नीचे तक है, और मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना फ्लेयर आएगा। मुझे ऐसा था कि कम ही देंगे, बट आप देख रहे हो जैसा मॉडल पे दिख रहा है वैसा ही इन्होंने भेजा भी है। इसकी स्लीव्स भी फुल है, इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका नेक का जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड इसमें साइड में चैन भी है, आई थिंक लेफ्ट या राइट कहीं एक जगह पे। इसके साथ इन्होंने ना ब्लैक दुपट्टे का कॉम्बिनेशन दिया है, जिसमें कि इसमें एम्ब्रॉयडरी दे रखी है चारों तरफ। तो अगर आप बिल्कुल ही सिंपल सोबर कुछ अच्छा पहनना चाहते हो, थोड़ा क्लासी टाइप का, तो वो ये बहुत अच्छा रहेगा आपको किसी भी वेडिंग या किसी भी फेस्टिवल पे पहनने के लिए। इस पूरे अनारकली सूट पे ना अंदर लाइनिंग दी हुई है नीचे तक, तो ट्रांसी नहीं है, एंड इसमें पैड्स लगे आए हैं। बट मेरे हिसाब से या तो वो पैड निकलवा लेना या उनको थोड़ा ठीक करा लेना, क्योंकि बीच बीच में से ना थोड़े से दब से रहे हैं। एंड वैसे पैरेट सूट आपको मिल जा रहा है इसमें इतने अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत बड़ी बात है। पीछे से भी स्क्वायर नेक है, एंड चुन्नी भी काफ़ी लंबी है, आप किसी भी स्टाइल में कैरी कर सकते हो। ये पूरा सूट मिल जाएगा आपको 105 वेट में। अगर आपको लगता है कि आपका साइज़ अवेलेबल नहीं है, तो बड़ा लेके उसे अपने हिसाब से ऑल्टर करा लेना, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा ये सूट। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है अनदर सूट। ये एक वेलवेट सूट है, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ठंड में आप पहन सकते हो या ठंड में पहन सकते हो या जहाँ एसी हो, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी में तो आप ये सूट नहीं डाल सकते। बट यार ये सूट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल मतलब बढ़िया क्वालिटी का वेलवेट दिया हुआ है। एंड मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि हम जब कुछ सस्ता वाला वेलवेट खरीदते हैं तो बहुत पतला वाला दे देते हैं, इसमें अच्छा खासा थिक फैब्रिक का वेलवेट दिया है। और जो ये पूरा वर्क है ना सीक्वेंस का नेक पे और इसकी स्लीव्स पे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पाकिस्तानी टाइप लुक दे रहा है ये सूट जो होता है, पाकिस्तानी सूट। एंड इसकी स्लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और इस तरह से ओपन भी है रिस्ट पे से। चुन्नी काफ़ी लंबी है और चारों तरफ इसके बॉर्डर है, और चुन्नी इतनी ज़्यादा लंबी है ना कि आप इसे किसी भी स्टाइल में कैरी कर सकते हो। तो इसका जो सूट की बात करूँ, तो सूट की जो एक जैसे मैंने स्मॉल मंगाया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे हल्का सा लूज़ है, एंड आई थिंक इसकी ना फिटिंग या इसका ना जो ओवरऑल लुक आता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही आता है। इसका जो सीक्वेंस का वर्क है, आप पास से देखो कितना ब्यूटीफुल है, मतलब यार काम तो इतना ज़्यादा अच्छा दे रखा है कि आप नॉर्मल मार्केट में सूट लेने जाओगे ना तो आपको नहीं मिलने वाले, घंटा नहीं मिलने वाले इतने सस्ते। एंड इसमें ना नीचे ये कॉइंस वाला पैटर्न भी दिया हुआ है, जो कॉइंस वाला जो उन्होंने लेस लगाई हुई है, चाहे वो उसमें स्लीव्स पे लगाई हो, चाहे वो कुर्ते के लास्ट में लगाई हो, और कुर्ते के स्लीव्स पे भी इतना प्यारा सीक्वेंस का काम है। तो शादी के लिए मान लो या त्यौहार के लिए मान लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये इसकी चुन्नी है। अच्छा, इसका बॉटम भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इसका बॉटम है, आगे पीछे इलास्टिकेटेड वो दे रखा है, एंड नीचे उसमें बॉटम में इस तरीके का सीक्वेंस का काम है। तो बॉटम में भी काम है, कुर्ते में भी काम है, और मुझे ना ये कलेक्शन देख के बिल्कुल उम्मीद, मतलब एक होता है ना, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं था कि यार ये मीशो से इतना अच्छा आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी भगवान भरोसे ही मैं काफ़ी चीज़ों से ऑर्डर करती हूँ। तो ये मिल जाएगा आपको 1610 में। इसमें आपको 3 शेड और मिल जाएंगे, आप कोई सा भी ले सकते हो, बट मुझे सबसे प्यारा शेड ये लगा तो मैंने ये आपको शो किया है। एंड सभी के लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट बॉक्स में। गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही मीशो हॉल आपके लिए और आने वाले हैं काफ़ी सारे। एंड इसमें अगर वीडियो सॉरी अगर उस प्रोडक्ट की बात करूँ, तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये एक शरारा सेट है, मतलब नीचे इन्होंने शरारा दिया हुआ है, ऊपर कुर्ता दिया हुआ है। तो शरारा में क्या होता है, कुर्ते की लेंथ नॉर्मली छोटी ही होती है बाकी कुर्तों के कंपैरिजन में। तो और जहाँ कुर्ता की लेंथ एंड होती है, उसी के जस्ट नीचे इसका वर्क शुरू हो जाता है सीक्वेंस वाला। इसकी चुन्नी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, चुन्नी पे भी पूरे पे सीक्वेंस वर्क है। और ये कुर्ता सेट ना यार, मतलब इतना ज़्यादा प्यारा और कंफर्टेबल था ना। सभी का मटेरियल इसमें जो है, चाहे कुर्ते की बात करूँ या ऊपर वाले की बात करूँ, यानी कि बॉटम की बात करूँ मतलब, या फिर चुन्नी की बात करूँ, ये तीनों का ही जो मटेरियल है वो दे रखा है आपका जॉर्जेट। और इसमें सीक्वेंस भी बहुत अच्छे से सारे में वर्क है सीक्वेंस का, तो ऐसा नहीं है कि
कहीं पे वर्क नहीं है या फिर काम ख़राब है। मैंने एक एक सूट अच्छे से चेक किया है, काम भी इन्होंने बिल्कुल अच्छा किया हुआ है, ऐसा नहीं कि काम में कुछ इन्होंने इसमें करी हो। एंड ये इसकी बॉटम है, आप देख सकते हो, उसमें भी इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है एंड अंदर कपड़ा लगाया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी ट्रांसी नहीं होगा, कुछ भी पहन सकते हो। नीचे जो पैटर्न आप शरारा का दूर से देख रहे थे वो इस तरीके का सीक्वेंस का काम दिया हुआ है, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी अच्छा सूट सेट है ये। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। एंड इसमें पीछे इस तरीके से डोरी है, उसमें दो लटकन भी है। डोरी की ज़रूरत वैसे तब पड़ती है तो आपका नेक डीप हो, ठीक है। तो इसमें आप डोरी आई है तो लगा लो, बट अगर आपको हटानी हो तो आप हटा भी सकते हो, 1510 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो ये आता है अनदर सूट सेट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें क्या है, कुर्ती के साथ स्कर्ट आई है, स्कर्ट स्टिच नहीं है, स्कर्ट मतलब एक तरफ से ना पूरी खुली हुई है, तो मैंने तो पीछे वो पिन वगैरह लगा के इसको रोका हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको वो करा सकते हो टेलर से। एंड इसमें जो कुर्ते की लेंथ है वो भी काफ़ी प्यारी है, और जो वर्क है ना पूरे में सीक्वेंस का, कुर्ते पे, स्कर्ट पे और चुन्नी पे, चारों तरफ जो बॉर्डर है वो भी सीक्वेंस का वर्क है, तो आप देख सकते हो कि इतने कम प्राइस में, कि मतलब 1500, 1400, 1600 में आपको पूरा ऐसे सूट मिल रहे हैं, वो भी मीशो से ही मिल सकते हैं, और कोई वेबसाइट से कमाल नहीं कर सकते। देखो ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ मैं, बाकी सब वेबसाइट पे तो नॉर्मल ही कुर्ता से 700, 800, 900 के मिलते हैं, इस पे तो आपको पार्टी वेयर सेट मिल रहे हैं 1400, 1500 में। एंड ये बहुत ही अच्छा है, इसका जो मटेरियल है ना वो भी जॉर्जेट है, कुर्ते का हो या स्कर्ट का हो या आपका चुन्नी का हो, सभी में अंदर लाइनिंग दी हुई है और काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी प्यारा इसका काम है, और इसकी स्लीव्स भी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, इस पर कितना प्यारा सीक्वेंस का वर्क है गाइस। एंड चुन्नी पे भी पूरा जो चौड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है चारों तरफ, वो भी पूरा सीक्वेंस वर्क है, बीच बीच में भी काफ़ी अच्छा वर्क है। ये इसकी स्कर्ट है, तो आप देख सकते हो काफ़ी ब्रॉड है, तो इसमें क्या है कि आपको अंदर लाइनिंग भी दी हुई है, उन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है, और इसमें आपको शायद नाड़ा डालना पड़ेगा, बाकी स्टिच तो ये करानी पड़ेगी। पूरी स्कर्ट भी इस तरीके के पैचेस वाला वर्क है सीक्वेंस का, और लंबी लंबी लाइंस दी हुई हैं, नीचे इतना चौड़ा बॉर्डर है, पूरा वर्क है ये भी। एंड इसमें लिखा हुआ है कि जरी का वर्क है, सीक्वेंस का वर्क है, इनकी डिटेल में अगर देखा जाए प्रोडक्ट की। और ये काफ़ी प्यारी स्कर्ट है, बहुत अच्छा सूट सेट है, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें भी डोरी आई है पीछे, तो आपकी मर्ज़ी, वैसे मेरे हिसाब से निकलवा लेना, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्ती की रहेगी कि डोरी लगा रखी हो, कि नया कितना ब्रॉड नहीं है। 1459 में मिल जाएगा आपको ये बहुत ही सुंदर सा सूट सेट। एंड आपको जो भी सूट बहुत अच्छा लगा हो ना, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जैसे कि मुझे पता लगे कि मुझे आगे आपको और किस तरीके की चीज़ें दिखानी हैं। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है अनदर सूट। ये एक वेलवेट सूट है, आप देख सकते हो, रेड वेलवेट सूट है ये। इसमें इन्होंने मुझे कलर तो वो दिखाया था जो मॉडल पे दिख रहा है, बट बहुत थोड़ा रेडिश साइड भेजा है, तो ठीक है, ये प्यारा लगा मुझे। इसका जो सीक्वेंस का वर्क है इसके नेक पे, इसकी स्लीव्स पे, और इसमें और उसमें डिफरेंस है, जो आपने वो फिरोजी कलर वाला देखा था सूट, उसमें ज़्यादा वर्क था सीक्वेंस का, और इसमें थोड़ा उसके कंपेरिजन में कम है। और जो चुन्नी है उसमें चारों तरफ आपका लेस वाली बॉर्डर दे रखा है, एंड कुर्ते में भी अंदर लाइनिंग दी हुई है, और नीचे इसमें ट्राउज़र टाइप है जो बॉटम है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो उसमें जैसे कि ओपन था आगे से स्लीव, इसमें बंद है पूरी। एंड इसकी जो, लेकिन पास से लुक देखोगे आप, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल ही शादी वाला हिसाब है इसका, तो कि आप बिल्कुल से शादी वादी में ही पहन सकते हो, एंड काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पे। और इसका सीक्वेंस वर्क बहुत ब्यूटीफुल है, इसके हाथ पे भी जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, और ये इसमें लटकन दी हुई है, मतलब लटकन वाली लेस लगा रखी है दोनों साइड आपकी स्लीव्स में। एंड जो आपका वेलवेट है वो भी थिक फैब्रिक का दिया हुआ है, एंड इन्होंने चुन्नी में एक जगह लटकन लगाई है और बाकी जगह लेस वाला पैटर्न दिया हुआ है। ये इसका बॉटम है, आगे पीछे से इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड दी हुई है, एंड थिक फैब्रिक का बॉटम है इसमें, नीचे इस तरीके से पतला सा एक बॉर्डर दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सेट है ये भी। अगर आपको कलर अच्छा लग रहा है, आपको लुक अच्छा लग रहा है, और आपके घर में फंक्शन भी आ रहा है, तो आप इसे ले सकते हो, ये काफ़ी प्यारा लगेगा ये। एंड इसको आपको मिल जाएगा ये 1200 रुपये में, 1205, और मीशो में आपको पता ही है कि डिलीवरी हो जाती है 4 to 5 days से, मेरे यहाँ तो हो जाती है। और इसमें रिटर्न रिफंड पॉलिसी में ये है कि 7 दिन के अंदर आपको वापस करना है, और अगर इसमें लिखा है ना 7 days, तो उसे 6 days ही काउंट करना, क्योंकि 7वें दिन ना विंडो क्लोज हो जाती है दिन में ही, तो इसीलिए कह रही हूँ कि 6 days आप काउंट करके चलना। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि अनदर सूट सेट। ये बहुत सारा प्यारा लगा मुझे, जैसे दिखाया सलवार सूट सेट है, तो मैंने इसे परचेज़ करा, एंड इसकी फिटिंग
बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, मतलब कुर्ते की फिटिंग बहुत अच्छी है, नीचे के बॉटम की फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड जो चुन्नी है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ब्रॉड है, उस पर जो वर्क है बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है ये। इसका कॉम्बिनेशन ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऑरेंज और मरून कलर इन्होंने दे रखा है, मरून और क्या है ये ब्राउन, डार्क ब्राउन साइड में है कुर्ता। एंड नीचे का बॉटम आपका जैसे वो वाला ऑरेंज नहीं होता, मतलब थोड़ा डीप ऑरेंज वैसा कलर है। चुन्नी भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, लंबी भी है, तो वैसे आप इसे किसी भी स्टाइल में कैरी कर सकते हो। एंड इस तरह के कुर्ता सेट मुझे थोड़ा सा जैसे पंजाबी साइड पहनते हैं लोग बहुत ज़्यादा, मतलब वर्क वाला सूट सेट, तो इस तरीके का लगा। एंड ये काफ़ी मुझे मतलब अच्छा लगा ओवरऑल पहनने के बाद। तो आज मैंने आपको काफ़ी चॉइस दी है वैसे सूट सेट में, आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो परचेज़ कर सकते हो। एंड इसे पास से आप देख सकते हो जो सीक्वेंस का वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कुर्ते का भी। एंड वो इसमें स्लीव्स में भी है, फ्रंट में भी है, एंड पीछे इसमें चुन्नी भी आप देख सकते हो लगा के, जो ब्राउन कलर पे काफ़ी अच्छी आ रही है। पीछे से डोरी दे रखी है जो कि किसी काम की नहीं है। एंड इसकी ये इसका बॉटम है, आगे पीछे से इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है, एंड इसमें नीचे की साइड इस तरीके का पूरा सलवार दी हुई है। तो ये बिल्कुल फुल वाली सलवार नहीं है जो बिल्कुल हमारी मम्मियाँ टाइप पहनती हैं, मतलब मम्मी जिस टाइप का पहनती है, मम्मिया टाइप क्या होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा से नैरो है, मतलब कम है चौड़ाई में, बट ये अच्छी लग रही है, पतली लड़कियों पे काफ़ी अच्छी लगेगी, बहुत पतली टांगे हैं तो, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा आपकी टांगे कितनी पतली हैं। ये मिल जाएगा आपको पूरा सेट 1408 में। एंड ये धोती कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसको परचेज़ कर लेना अगर आपका कोई फंक्शन हो या कोई त्यौहार हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है अनदर सूट सेट। ये मुझे बिल्कुल ही आजकल पाकिस्तानी सूट्स की तो इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो उस तरीके का ही लगा, तो मैंने इसे इंक्लूड कर लिया था इस कलेक्शन में। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें पूरा जो आप वाइट पार्ट देख रहे हो ना, ये प्रिंट नहीं है, पूरा एम्ब्रॉयडरी है। इसका जो कलर है ना सूट का, जो बेसिक कलर है वो थोड़ा सा मतलब पर्पल भी नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो, जैसे वो रॉबिन नहीं आता था, आता है आई थिंक अभी भी, जिसमें नील टाइप, जिससे हम वाइट चीज़ों को वाइट करते थे, तो उसी तरह का लग रहा है जो इसका बेसिक कलर है। एंड इस पर जो एम्ब्रॉयडरी वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगती है कि जिस कुर्ते में पीछे भी एम्ब्रॉयडरी दी होती है ना, पीछे कैसे को ऐसा ना छोड़ा होता जैसे कि सूट का हिस्सा ही नहीं है, तो जैसे फ्रंट में भी पूरे में एम्ब्रॉय, फ्रंट में तो पूरी ही है, पीछे इन्होंने सिर्फ नीचे दिया है बॉर्डर, स्लीव्स पे है। एंड चुन्नी में भी आप देख सकते हो चारों तरफ है, और बीच बीच में भी काफ़ी अच्छी इन्होंने दे रखी है। तो ओवरऑल ये काफ़ी प्यारा सेट है, इसमें अंदर पूरे में लाइनिंग है कुर्ते में और बॉटम में भी, तो आपको इजी होगा इसे पहनने में, कुछ ऐसा नहीं है सोचना पड़ेगा कि किस तरह की ब्रा या अपना अंडर गारमेंट्स के साथ पेयर करोगे आप। तो ये बहुत ही प्यारा है, इसमें आप मे बी और कलर्स दिख जाएंगे तो आप और कलर भी चेकआउट कर सकते हो, बट बेसिकली मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था। एंड इसकी जो पूरी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है ना इन्होंने पूरा, मतलब बहुत ही ये लीव्स का पैटर्न, इसकी जो नेक पे भी आप देख सकते हो, नेक भी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत कंफर्टेबल भी है। तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कुछ सिंपल में और बहुत अच्छा सूट देख रहे हो जो सिंपल भी हो, और इसका फैब्रिक भी जॉर्जेट है ऊपर का भी नीचे का भी और चुन्नी का भी। ये इसका बॉटम है, बॉटम इसका सिल्क ब्लेंड दे रखा है, एंड इस पर भी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है। ओवरऑल ना ये पूरा ही जो सूट सेट है काफ़ी अच्छा है, आपको पूरा मिल जाएगा 1095 में। एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। एंड इन केस कोई और सेलर भी इसे सेल कर रहा हूँ मे बी सस्ते प्राइस में, तो मैं वो भी मैंशन कर दूंगी अगर हुआ तो। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है अनदर सूट सेट। ये बहुत प्यारा सूट सेट है येलो कलर का, इसमें ऊपर का कुर्ता दिया हुआ है, नीचे का प्लाजो टाइप है, शरारा भी बोल सकते हो, प्लाजो भी बोल सकते हो, एंड इसमें चुन्नी दी हुई है। ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, मतलब इसमें सीक्वेंस का वर्क है जो कुर्ते में आप देख रहे होंगे शाइन मार रहा है, लेकिन सिर्फ फ्रंट में है और स्लीव पे है, बैक इसकी सिंपल है। एंड इसमें जो नीचे का बॉटम है उसमें सिर्फ पतला सा बॉर्डर दिया हुआ है नीचे एंड में, और वही पतला सा बॉर्डर आई थिंक इसकी चुन्नी पे भी है दोनों साइड। और इसकी चुन्नी लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब चौड़ाई में कम है, लंबी तो है पर चौड़ाई में काफ़ी कम है। इसका नेक भी गोल है, इसमें अंदर लाइनिंग दी हुई है, काफ़ी अच्छा है। और इसका जो मटेरियल दिया हुआ है कुर्ते का जॉर्जेट है, नीचे का भी जॉर्जेट है और चुन्नी का भी जॉर्जेट है। पास से आप देख सकते हो उस तरीके का इन्होंने सीक्वेंस वर्क दिया है, और इसमें थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है पूरे में जो कुर्ते में है, तो धागे का भी काम है, सीक्वेंस का भी काम है। तो ये सिंपल है और बहुत प्यारा सूट है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब वर्क वाला नहीं पहनते तो ये सूट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें येलो कलर की जो नीचे बॉटम है उसमें इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड दिया हुआ है फ्रंट और बैक में, और नीचे इस तरीके का शरारा है। एंड ये काफ़ी स्पेशियस है, तो आपको ये काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, आप इसमें उठ पैठ भी अच्छे से सकते हो। तो ओवरऑल ये सूट सेट की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है इस बार जो मैंने मंगाया है। वैसे तो मेरे
अब मेरा मीशो से एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने लग गया खासतौर से कपड़ों के मामले में। और आपको जो भी इस तरह का हॉल इससे देखना हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे कैसे कैसे प्लान करना है, क्या क्या मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस पर्टिकुलर सूट सेट में काफ़ी कलर्स अवेलेबल हैं, 789 में मिल जाएगा आपको, तो आप देख लेना आपको कौन सा कलर चाहिए। मैंने येलो मंगाया था, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है ये वाइट कलर का सूट। ये भी काफ़ी प्यारा सूट है इसका, लेकिन इसमें एक चीज़ थी जो मुझे याद है कि इसको जो मैंने पहना था ना, ये चेस्ट पे से काफ़ी टाइट था, यानी कि मैंने इसका स्मॉल मंगाया था, तो मैं आपको मीडियम सजेस्ट करूँगी अगर आपकी फ़िज़िक मेरे जैसी है। बट अगर आपकी बस 32 है तो स्मॉल पे ही जाना, बट अगर आप 34 हो तो आप मीडियम पे जाना, क्योंकि बाकी जगह से तो ठीक था लेकिन चेस्ट पे से और हल्का सा शोल्डर की साइड से ये टाइट था। जबकि जो इसका लुक है ना, थोड़ा सा लूज, मतलब लूज समझ रहे हो, मतलब थोड़ा सा ईजी वाला होना चाहिए जैसा मॉडल पे दिख रहा है। बट कुर्ते की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें पूरे में इन्होंने थ्रेड वर्क दिया हुआ है इसके नेक पे, इसकी स्लीव पे, नेट के ऊपर। तो नीचे जो बॉर्डर देख रहे हो ना आप, चौड़ा सा नेट का, उस पर पूरे पे थ्रेड वर्क है पिंक कलर का। तो इसलिए मैंने वाइट और पिंक कलर के फ्लोरल वाले इयररिंग्स इसके साथ पेयर किए हुए हैं। सूट सेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइट था। आप देख सकते हो मेरे मतलब क्या हालत हो रही है, बहुत टाइट था, मुझे सांस तक नहीं आ रही थी, उतना समझ लो सांस लेने में भी जब आपको दिक्कत होती है जब चेस्ट पे से उतना टाइट होता है। तो ये बस इसमें साइज इशू है, बाकी कुर्ता सेट बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसके नीचे की इस पर भी एम्ब्रॉयडरी है, क्या कहते हैं आपके बॉटम के नीचे, आई थिंक बॉटम वाली जो वीडियो है ना वो इसमें मुझे मिल नहीं रही, मतलब मिली ही नहीं, आई थिंक वो करप्ट हो गए हैं जो भी है, तो इसलिए उसकी बॉटम है वही वर्क है जो उसके ऊपर कुर्ते में, बस ये समझ लेना। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट है इस पूरी वीडियो का। ये कुर्ता भी सिंपल सोबर काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप अगर बहुत ज़्यादा काम वाला चीज़ नहीं पहनते, जैसा बहुत ज़्यादा वर्क हो, तो इस तरह के सूट आप पहन सकते हो। उसमें आपको मिल जाएंगे 6-7 कलर, एंड जैसा मॉडल पे दिख रहा है वैसे ही रिसीव हुआ है। मॉडल अंधा कानून की बनी हुई है ये नहीं पता बस। बाकी ये जो चुन्नी है काफ़ी ब्रॉड है, लंबी है, इसमें लाइनिंग दी हुई है कुर्ते में। सिल्क ब्लेंड फैब्रिक है कुर्ते का, बॉटम का और चुन्नी का। चुन्नी में भी चारों तरफ बॉर्डर, दोनों तरफ बॉर्डर है, और बीच में बूटी बूटी जैसा डिज़ाइन है छोटा छोटा सा। सीक्वेंस का वर्क है जो ऊपर आ गया, पैच वर्क देख रहे हो नेक पे, एंड स्लीव्स पे भी इसके बॉर्डर दिया हुआ है पतला सा, जिसपे सीक्वेंस का वर्क है। पास से आप अगर लुक देखो तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो इसकी फ़िटिंग भी अच्छी है, ऐसा नहीं है इसमें फ़िटिंग में प्रॉब्लम है। फ़िटिंग में मुझे किसी सूट में प्रॉब्लम नहीं आई, बस वो वाइट वाला ही था जो मेरे को अपने साइज़ में नहीं आया। कुछ सूट फ्री साइज़ हैं तो फ्री साइज़ मंगा लेना, मे भी आपको आ जाए, या थोड़ा बहुत ही लूज़ आएगा तो आप उसमें फ़िटिंग करा लोगे, क्योंकि मार्केट में इस तरह के सूट अगर आप लेने जाओगे तो आपको भी पता है कि सस्ते नहीं मिलेंगे, वो भी स्टिच, यानी समझ रहे हो कि कपड़ा लेके बनवाने से अच्छा है कि आप बने बनाए ले लो। मीशो बहुत अफोर्डेबल है, एंड आई थिंक मीडियम उसके लिए तो बहुत ही, मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक ऐप है जो सभी के लिए मुझे लगता है सही रहती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर लेना चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय।